आरपीएफ को बुलाऊंगा, आरपीएफ को बुलाऊंगा। गाली दिया क्या तेरे को? गाली बोली मैंने आपको? गाली निकाली है आपको। 24 घंटे में कितनी बार गाड़ी साफ होता है? दो बार। कितनी बार आया? नहीं आया एक भी। वॉशरूम जाने के इतने लोग खड़े हैं, वॉशरूम नहीं जा सकते? बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आनी मंदी यहाँ पंजाबी जी। यहाँ पर खाना आ गया और स्पेशल थैंक्स टू पीयूष भाई, सौरभ भाई लेकर आए खाना। ट्रेन कहती नहीं नहीं ट्रेन डिले कर दूंगी और विशाखापट्टनम में मिल लो भाई। बाहर ना फेंकिए, तो मतलब क्या वो यहाँ से फेंक कर बाहर फेंक दोगे तो बाहर वाले तो उठाएंगे ना। तो पता लग रहा है चिकन का भी 140 रेट लिया जा रहा है यार। तो मतलब मेरे को 15 मिलेगा, इनको 20 मिलेगा, यही बात है। सबने जी किमे जी सारे सत श्रीकाल नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है पार्ट 3 और फाइनल पार्ट ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट हम सफर एक्सप्रेस में। भाई आ चुके हैं कटक में, पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैंने डोमिनोज मंगवाया था अपना। कितना हो गया? देखिए हो गया 350। गार्लिक ब्रेड नहीं आया है? गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर है यार, बिना गार्लिक ब्रेड के कैसे खाएंगे? आपका जो गार्लिक ब्रेड है सर, हाँ उसको मैं आपको पीएचजी का रिफंड कर दूंगा। हैं आपका जो रिफंड होता है गार्लिक ब्रेड का, तो इसमें लाना भूल गए यार गार्लिक ब्रेड। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो भाई कटक से मैंने ये मंगवाया था, अभी आपने सुन ही लिया है, गार्लिक ब्रेड भूल ही गए यार लाना। चलिए जो भी है यार यही लेकर चलते हैं। खाना आएगा भुवनेश्वर में, खाना खा लेंगे इससे एक बार, सारे शेयरिंग करके खा लेते हैं। कॉपी रेट आ जाएगा। आनी मंदी है पंजाबी जी, डांस करना है। सो जी अपना डोमिनोज आ गया, बट ऑर्डर आपको पता ही है, वो बोल रहा है सॉरी सर भूल ही गया यार, दो चीज़ें लानी भूल गया, गार्लिक ब्रेड भूल गया लानी और एक चीज़ और थी। और चलो जो भी है मैंने अब डिनर भी मंगवा लिया है, भुवनेश्वर से आ जाएगा। अपने स्पेशल भाई आ रहे हैं एक मिलने, उनसे मिलवाएंगे आपको, बट इसका तो क्या ही रिव्यू करना है यार, इसको खाते हैं फटाफट से। ये बोल देंगे लिपसिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है मेरी। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपको मैं मिलते हैं भुवनेश्वर में, मिलता हूँ मैं। ठीक है ठीक है, चॉकोलावा केक भिजवाया, पता नहीं और क्या भिजवाया। पहुंच चुके हैं जी भुवनेश्वर में, यानी कि ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर में, और यहाँ पर हम पहुंचे 2 घंटा 50 मिनट डिले जी। हाँ 1990 किलोमीटर हमने कवर कर लिए फ्रॉम अगरतला, और यहाँ पे मैंने डिनर मंगवाया है। यहाँ पर खाना आ गया और स्पेशल थैंक्स टू पीयूष भाई, सौरभ भाई लेकर आए खाना, थैंक यू सो मच यार। बहुत दिक्कत है सर खाने की ट्रेन में, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो चल जाएगा वेज के लिए। आज ही धोखा हुआ, वेजिटेरियन में हमको खाली आलू का सब्जी दिया, नॉन वेज चिकन दिया, यही देना भाई, एटलीस्ट पनीर देते ना, दो ही पीस चलता है। यही बात है सर, वही है ना, पनीर वनीर कुछ भी नहीं इसमें। अगर मैं बात करूँ ना बिरयानी की, तो मैंने बिरयानी वाले को रोका अभी, मैं देना वेज बिरयानी, कह रहा वो क्या होता है, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा मछली चिकन और अंडा। मैं कह यार वो मैं खाता नहीं। तो भाई थैंक यू सो मच, आज रात का जुगाड़ हो गया, बाकी कल का कल देखे जाएंगे। चलिए सर थैंक यू सो मच, हैप्पी जर्नी। आपकी जर्नी कब है, कितने बजे है? 11:30। ओ बहुत टाइम पड़ा, आपने खाना वाना खा लिया ना? तो चलिए डिपार्चर हो गया हमारा भुवनेश्वर से। भाई 5 मिनट डॉट ही रुकी है, ज्यादा नहीं रुकी क्योंकि ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। भाई साहब पीयूष भाई थैंक यू सो मच यार, मेरा मतलब सही बता रहा हूँ, आज रात का खाने का जुगाड़ ना होता ना मैं तो गिर जाता। सो भाई डिनर आ चुका है, आपको बताइए पीयूष भाई ले आए थे पनीर की सब्जी है साथ में 3 रोटी, तो कोई रिव्यू नहीं कुछ नहीं, बहुत भूख लग रही है, एंड में बता दूंगा खा के। चलिए खाता हूँ। कैसा लगा भाई? मुझे तो अच्छा लगा, ट्रेन से तो काफ़ी अच्छा है ना? बहुत अच्छा, ट्रेन से बहुत ज़्यादा अच्छा। हाँ तो भाई मेरा तो पेट फुल हो गया है, तो भाई खा रहे थे, मैं कहा भाई मेरा हो गया आप खा लो, ठीक है ना खाना? ठीक है भाई, बात मान, एक दिन ना भी मिले खाना अब चल जाएगा, है ना? अब कल मेरे को रोटी मिले ना मिले मेरा हो गया काम। हाँ जी सब पहुंच चुके जी खुर्दा रोड पे, और यहाँ पर हम पहुंचे हैं 3 घंटा डिले। अब इसके बाद जितने भी हॉल्ट आएंगे ना मैं थोड़े को स्किप करूंगा रात वाले,
10 बज चुके हैं, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आंखें में थका हुआ है बहुत ज़्यादा यार कसम से। 2 दिन से ब्लॉगिंग चल रही है ना, अब आपको मैं सुबह मिलता हूँ जहाँ खुलती है विजयवाड़ा के आसपास खुलेगी। चलिए ठीक है जी, यहाँ से पानी की एक बॉटल ले लेते और चलते हैं अंदर। यहाँ से मुझे मिल चुका है मिनट मेड 2 और एक किटकैट मिल गई शॉप से, मज़ा आ गया भाई, खाना खाया अच्छा खाना और साथ में एंडिंग इससे हो रही है। अब एक ये कलगी रखेंगे, कब पीते हैं, चॉकलेट खाएंगे और रेस्ट करते हैं। चलिए जी गुड नाइट और आपको मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम हैं विशाखापट्टनम में, काफ़ी देर से आई गेस ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई थी, मेरी जाग खुली, मैं फटाफट उतर के नीचे आया जी। हाँ मैं सोच रहा था आपको विजयवाड़ा में मिल लूँगा, पर ट्रेन कहती नहीं नहीं ट्रेन डिले कर दूंगी और विशाखापट्टनम में मिल लो भाई, 4 घंटे से भी ज़्यादा ट्रेन डिले होगी यार। अब मेरे को दिक्कत है, मेरी बेंगलोर से फ्लाइट भी यार सीधा पहुँच के मेरे को एयरपोर्ट जाना था, अगर 1 घंटा भी और डिले हुई ना 5-6 घंटा मेरी फ्लाइट निकल जाएगी भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, बहुत प्रॉब्लम में हो चुका हूँ, चाह रहा हूँ 1-2 घंटे यार कवर कर लें आराम से जाकर यार, नहा धो लेंगे बढ़िया से, बट नहीं यार मूड हो रहा है अब थोड़ा सा। बट फर्स्ट बार आया हूँ मैं विशाखापट्टनम इधर से, बहुत बढ़िया यार, बारिश हो रही है इधर हल्की फुल्की और मतलब वेदर बहुत अच्छा, पीछे देखो पहाड़ मेरे पीछे यार क्या बात है। इधर से कोई ट्रेन जा रही है, कौन सी ट्रेन है, कोरमंडल एक्सप्रेस भाई, बहुत डिमांडिंग ट्रेन है, इसको बहुत जल्दी करेंगे। बिल्कुल एंड पे आया हूँ और यहाँ जा रही है ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, इसका डिपार्चर हुआ है आई गेस इसके बाद हमारा नंबर लगेगा यार। बट कितना खूबसूरत सुंदर सा रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल एंड पे आ गया, सामने देखो पहाड़, अब ये निकलेगी, हमारा सिग्नल अभी भी रेड है। यहाँ से आपके भाई ने लिया है कॉफ़ी, नहीं है ये चाय है, चाय लिया है और साथ में केक लिया है। इतना टाइम मिल गया है, अभी ब्रश करके आ गया हूँ, बट सच बता रहा हूँ वॉशरूम नहीं जा सकते आप इस ट्रेन के बाहर भी नहीं खड़े हो सकते, इतने गंदे हैं। मैंने बिस्लेरी का पानी मेरे पास पड़ी थी, 2 बोतलें ऐसी लेकर आया था, यहाँ से नहीं ली, 2 बोतलें लेकर आया था मैं। आज ये नौबत आ गई इस ट्रेन में, वॉशरूम तो आपको बताया ही है, मेंटेनेंस के नाम पे भाई 0 है। अगर आप आ रहे हैं तो भाई आपको बहुत दिक्कत हो सकती है वॉशरूम की, हाथ धोने की भी भाई, इवन मुंह धोने की, ब्रश करने की, मैंने मुंह ब्रश यहाँ पर किया है भाई स्टेशन पे, वहाँ अंदर नहीं कर सकते भाई। भाई ट्रेन अभी भी विशाखापट्टनम में ही खड़ी है, ऑलमोस्ट 1/2 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और वॉशरूम जाने के लिए इतने लोग खड़े हैं, वॉशरूम नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी हमने हार के, मैंने देखो आप बोलते हो भाई तुम करते हो भाई, मैं तो सहन कर लूँगा लेकिन इनको देखकर मेरे से सहन नहीं हो पाएगा। अब मैं ऑन कैमरा भी बात करूँगा, ट्वीट भी किया है, अभी मैंने नंबर दिया अपना। टीम आ रहा है आपका कोई सफाई करने के लिए? हम लोग हैं बोले। अच्छा ये बताइए 24 घंटे में कितनी बार गाड़ी साफ होता है? 2 बार। कितनी बार आया? नहीं आया, एक बार भी। इधर साफ करके चला गया, इन्होंने ऑन कैमरा है मेरे पास, ऑन कैमरा और अभी भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा हाँ, पोछा लगता है या नहीं लगता मुझे ये बताए, लगता है क्यों नहीं लगाया? और बाकी? ये देख लीजिए वॉशरूम नहीं जा सकते हैं भाई साहब, मैं अकेला नहीं हूँ, जा सकते वॉशरूम, बैठने के लिए नहीं हो रहा है, इतना गली से कौन करेगा, हो जाएगा सर। 1/2 घंटे के अंदर पूरा कोच के अंदर साफ सुथरा पोछा लगना चाहिए, 10 मिनट 10 मिनट 1/2 घंटा आप बोला ना, मैं 1/2 घंटा दे रहा हूँ, अच्छा पोछा साफ करके, फरनाइल अच्छा यूज करके, पूरा पोछा ट्रेन में भी लगेगा यहाँ भी लगेगा। चलिए भाई द्वाड़ा में पहुँच गए और बातचीत हो गई है, देखते हैं साफ सफाई होती है तो ठीक है, वरना आगे तक कंप्लेंट करेंगे भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है सच बता रहा हूँ, वॉशरूम नहीं गया 48 घंटे से, मैं अकेला नहीं हूँ, काफी लोग हैं। तो भाई ये देखो पहुँच गई, इतना बुरा हाल, इतना ज्यादा बुरा हाल, मैंने आज तक किसी ट्रेन में नहीं देखा। तो 15-20 मिनट वेट करते हैं, DRM सर का आ गया मेरे पास मैसेज, हायर लेवल का मैसेज आ गया, कॉल आ गया, तो अगर साफ हो गया उन्होंने कहा तो ठीक, वरना इनके ऊपर कड़ से मतलब कहते हैं ना स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इन टीम के ऊपर। ये किसमें डालोगे बाहर? बाहर है ना, बाहर ना फेंकना यार, ठीक है उसमें डालना, नहीं होता था सर अभी कोई नहीं आता लेने के लिए। हाँ मैं वही नहीं आता है तो तुम्हारे पास तो पॉलीबैग होगा कोई काले रंग का, उसमें डालिए, बाहर ना फेंकिए, तो मतलब क्या हुआ यहाँ से फेंक कर बाहर फेंक दोगे तो बाहर वाले तो उठाएंगे ना, तो इट्स बेटर किसी पॉलीबैग में डालकर रखो। कचरा निकला है तो आप देख लीजिए, गलती पैसेंजर की भी है, डस्टबिन लेकिन फुल था भाई, अभी डस्टबिन भी खाली करवाया है, कोई डस्टबिन भी नहीं खाली करना है तो क्या करे बता। बाकी देखते हैं जो भी अपडेट होगा आपको मैं ज़रूर से दूंगा, अभी वॉशरूम भी क्लीन हो रहे हैं
और यहाँ पर पहुँचा, साथ उतर लगाया जाएगा, तब यहाँ पर बैठे रहेंगे। भैया वेटिंग में बैठे हैं कल से, यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है, मेरी 7 नंबर सीट है, कोई देख नहीं रहा था क्यों जी, ठीक है ना, तो कोई नहीं, करवाते हैं इस चीज़ को सॉल्व। और हाँ बिल्कुल होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, हम बैठे हैं जब, अब आपकी सेवा में ही हम करवा के जाएंगे आपको क्लीन अच्छे से। बहुत दिक्कत हो रहा था बेचारे, कल से परेशान है, बैठ नहीं पा रहे थे वॉशरूम के पास, वेटिंग में क्या करें, अब ये कचरा वचरा ये बाहर फेंक रहे थे, मैंने बोला पॉली बैग है उसमें डालिए, इसने साइड में रख दिया, पॉली बैग का अरेंजमेंट कर रहे हैं फिर डालेंगे। सो ट्रेन चल रही है ऑलमोस्ट 5 से 5.5 घंटा डिले, और अभी यहाँ पर गर्मा गर्म आए थे दाल वड़ा और प्याज पकौड़ा, भाई बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म है, और ऑयल भी नहीं दिख रहा था तो मैंने ले लिया, अब टेस्ट करते हैं पहले भाई टेस्ट कैसा है इसका। ठीक है खा सकते हैं आप, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना खाने को छोड़ के ये खा सकते हैं भाई, ऑयली नहीं है ज़्यादा, लेकिन अंदर से अच्छी तरह से पकाया नहीं हुआ, थोड़ा और पका सकते थे। चलिए जो भी है इसको फिनिश करते हैं, कर दिया सर, सर्व कर दिया, ठीक है अभी ओके है, अब एक फीडबैक दे दीजिएगा, मैं दे दूंगा, मेरे को जब मैसेज आएगा मैं फीडबैक दे दूंगा, और बेंगलोर तक ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है सर, बेंगलोर तक गाड़ी, टेंशन नहीं है आप, हम बोला ना आपको कोई टेंशन, पहले कर लेते हैं, मैं कल से बोल रहा हूँ पागलों की तरह भौंके जा रहा हूँ, मैं कर देता हूँ, मेरे को दे दो पोछा, फिर क्यों नहीं करते हो यार, वो तो देखो ना, कोई बात नहीं अभी मैं फीडबैक दे दूंगा। अच्छा ट्रेन की क्रॉसिंग लाइन लगा था, मालगाड़ी इधर आई हुई बीच में, चलिए शायद हो जाए, वो देखो सामने से आ रही है एलपी अलफूजा एक्सप्रेस, धनबाद अलफूजा, बट मैं ले नहीं पाऊंगा क्रॉसिंग यार, देखिए भाई साहब बहुत देर से ट्रैक कर रहा था इसे, बट अभी से मालगाड़ी आ गई, क्या करूं। सो भाई अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गोदावरी रिवर के ऊपर से, भाई साहब मैं अंदर बैठा था, भाग कर आया इस चीज़ को देखने के लिए, भाई नीचे देखो, तभी तो कहते हैं ना भाई गेट से बहुत दूर खड़े होना पड़ता है, देखो कितनी दूर खड़ा हूँ मैं, लेकिन सिर्फ फोन बाहर निकाला था सेफ्टी से, बट यहाँ फोन स्नैचिंग के लिए भी लोग बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा देख के, थोड़ा डाउन ही है तो इतना कोई इतना इशू नहीं है इसमें, देखो भाई लोग फोन में भर भर के मिट्टी लेकर जा रहे हैं उधर, बहुत बड़ी रिवर है, बहुत बड़ी, सेकंड पार्ट में देखा ही होगा ये लड़की इतनी खास खेल रही थी, और अब देखो मुँह देखो इसका क्या वो है, मतलब इतनी नाराज हो गई है, पता नहीं किसी किसी क्या बात की हो गई है यार, मतलब जेलसी में इतना कुछ हो गया, चलिए कोई नहीं, इसको झाल मुड़ी क्या खिला रहे हो आप, झाल मुड़ी बना रहे हैं तो झाल मुड़ी खिलाएंगे, फिर एक गाना गा कर दिखाएंगे, ये इसका मूड ठीक हो जाएगा फिर हाँ गाने से मूड ठीक हो जाएगा, पहले झाल मुड़ी खिलाते हैं। चीज देख कर ना हमारे हरियाणा में इसे कहते हैं हम फुलियां, तो आपके स्टेट में जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो आपके क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, लेकिन इनका कहना है ये चीज़ अलग है, ये अलग कह रहे हो ना, मूरी, ये जाल मूरी, मूरी है ये, तो बताना ज़रूर से, अच्छा पूरा बनेगा अभी तो आपको दिखाएंगे। सो भाई अब जाकर ट्रेन ने कुछ स्पीड पकड़ी है, 100-110 के करीब मार रही है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम इधर आई गई 110 ही है, जाकर चलिए सही, बट लेट 6.5 घंटे के करीब ऑलरेडी चल रही है। सो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है एलुरु को, और यहाँ पर आई गेस खड़ी है कोणार्क एक्सप्रेस, मैं इसी का वेट कर रहा था क्रॉसिंग दिखेगी, बट नहीं अभी इसका डिपार्चर होने वाला है यहाँ से, जी हाँ कोणार्क एक्सप्रेस, देखो भाई पूरी पैक है गाड़ी, भाई फुल पैक है, हमारा सिग्नल आई गेस है हमारा, तो हम यहाँ से स्किप कर ही जाएंगे, ठीक कसम से बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, कोई इसमें ऐसे मसाला भी डालो बट टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये सरसों का तेल जो डाला है ना वो ओवर पावर अच्छा टेस्ट दे रहा है यार, बाकी घर जाके मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगा इसे, हमारे वहाँ नहीं बनता पंजाब हरियाणा साइड में, कोई खाता नहीं थे, लेकिन अगर मिलेगा ना मुझे तो मैं लेकर जाऊँगा यहाँ से पूड़ी,
घर जाके बनाएंगे। ऑलराइट जी, पहुंच चुके हैं फाइनली विजयवाड़ा जंक्शन में और यहां पर हम पहुंचे हैं 6.5 घंटा डिले। जी हां भाई, बस हो गई है, सच बता रहा हूं। विजयवाड़ा जंक्शन काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है दिल्ली चेन्नई रूट का और हावड़ा चेन्नई रूट का। जी हां, 4th busiest रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। अब यहां पर आपको खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर वेज मिलेगा या नहीं। चलिए देख लेते हैं यार, लंच में है तो अब यहीं से लूंगा, कुछ वेज मिल जाए बढ़िया था। तो वेज बिरयानी है क्या? गर्म है? एक कितने का है? कितने का है? कितने का है? एक दे दो वेज बिरयानी दे दो एक। आ गया हूँ अपने कोच के अंदर, सीट के अंदर, और इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। बहुत ज़बरदस्त भाई, गर्म लग रहा है, बाकी देखते हैं खोल के। ओके, नो ग्रेवी, यार कोई ग्रेवी व्रेवी नहीं है, बाकी गर्म है, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है भाई, ट्रेन से तो काफ़ी बढ़िया है और सिर्फ 70 रुपीज़ में। बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल गर्म। उसका उम्र हो गया 30। अच्छा, उसका पेपर समय 60। टिकट 60 उम्र में कर दिया और उम्र है 30। ट्रेन फर्स्ट क्लास चल रही है और अभी हम थोड़ा मनोरंजन, हमारा स्टार्ट होने वाला एंटरटेनमेंट सेशन, तो ये दोनों कुछ गाएंगी, बट वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया तो यहाँ पर यूज़र नेम दिख रहा है, जाइए फॉलो करें। इन दोनों की एक रील बन रही है बहुत स्पेशल, तो जाकर सपोर्ट करना, ठीक है? अगर पसंद आए वो गाना ज़रूर से फॉलो कर लेना। मसाला चाय और इधर चल रही है कॉफ़ी कैपेचिनो। कैसा है टेस्ट? अच्छे है ना, मैंने कल पिया था, इन्होंने सेकंड पार्ट में आपने देखा ही होगा। तो ये चाय पीते हैं और फिर आपको मैं मिलता हूँ पेरमपुर में। भाई पूरा एंजॉय चल रहा है यहाँ पे, मेरी पहली जर्नी होगी ऐसे, भाई गाना वाना मस्ती सब ने। ये तो रुक रुक के पेंट्री वाले भी एंजॉय करके जा रहे हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा, बहुत एंजॉय किया। तो भाई पेरमपुर आने वाला है, यानी कि चेन्नई के आउटर आने वाले हैं, तो ये सब भाई लोग आसाम से हैं। कैसा रहा आज भाई? बहुत मस्ती की हमने, गाना नाच गाना। ट्रेन जर्नी पहले करते रहते हो? ट्रेन में करते रहे, आज ऐसा कितना मजा आया? नहीं ना, मैंने भी बहुत जर्नीस की है, बट यार मजा आ गया आज। बाकी यार सारे फैमिली मेंबर बन चुके अपने चैनल के, चैनल पे वीडियो देखना आराम से जाकर, ट्रेन जर्नी पूरी मिलके, ठीक है? और ये बताओ वैसे, अगर ट्रेन जर्नी आप पसंद करते तो आपको मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक, इतना लंबा सफर, मतलब आपको कैसा लगा अभी तक? आज का दिन बहुत अच्छा लगा। हाँ, बाकी वैसे हाँ, मैं भी यही कह रहा था, दो पार्ट में बना चुका हूँ, लास्ट पार्ट है, तो इसमें इतना अभी तक मजा नहीं आ रहा था, बट जो थर्ड पार्ट फाइनल पार्ट में है ना, सबसे बढ़िया मजा आया। 20 रुपए इधर लिखा हुआ है। सुनो, अच्छा मेरी बात तो सुनो, कल मेरे को कल 15 में हर चीज सही ली है, इनको ये कह रहे हैं 20-20 में ले रहे हैं। आप रेट भी, मेरे पास बिल भी हर चीज का यार, 140 भाई। अभी मेरे को पता लग रहा है चिकन का भी 140 रेट लिया जा रहा है यार, 130 का रेट रहे। चलो लो यार, कोई बात नहीं, ध्यान रखो आगे से भाई, पैसेंजर को थोड़ा सा समझ रहा हूँ सब पर कमा रहे हैं, प्यार से बात अलग होती है, लेकिन आप सीधा बोल रहे लेना है यही है 20 रुपए, ऐसा नहीं चलता। आपने बोला 20 रुपए में, 20 रुपए क्यों, 20 में क्यों बोलते हो, 15 बोल रहा सर। कितनी बोतल लिए? 5 बोतल लिए
चलो अब तो दे दो, दो बोतल लिए आपने, एक दे दो, ले लिया ना, चलिए थोड़ा प्लीज इस चीज को देखो, मेरे को सब एमआरपी, रुको मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता मेरे को किस क्यों दिया जा रहा है, बिल भी दिया है 80 का दिया है, 80 का मुझे पता है क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को सही दिया जा रहा है इधर गलत दिया जा रहा है, तो वो तो ना इंसाफी है ना, हर किसी को नहीं, सब इंसान एक बड़ा है, तो क्यों इनको ऐसा किया जा रहा है, हम लोग पूछ इनको ऐसा किया जा रहा है, अगर मेरे को 15 सब सब तरीके है कि अच्छा मेरे पास मतलब पैसा सबके पास है, सब तो इंसान अगर एक बराबर हो जाए तो धरती एकदम सोना की पटरी पर चलना चलना शुरू। अच्छा मतलब मेरे को 15 मिलेगा, इनको 20 मिलेगा, यही बात है, कोई बात नहीं, इनको भी 20 नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, आप किसी को दूसरे बोला कि 5 रुपए की थोड़ा करिए, मुझे पता है सबको काम होता है, सब होता है, क्या रेट आ रहा है क्या नहीं आ रहा मुझे सब पता है, सब पता है, सुनो ना, इंसान तो धरती पर होगा उतना, अरे सुनो ना, हम लोग मतलब एमआरपी रेट पूछते तो 15 रुपए, बल्कि 15 रुपए करके है ना, हम लोग 15 हम लोग से 15 रुपए होगी ना, तो हम लोग पूछने से आप लोग 15 रुपए ले लो, बल्कि आप लोग बोलते हैं 20 रुपया में लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो, ये बात तो कोई नहीं, ये बात बोलते हैं ना, ये बात बोलते हैं, खाने की बात है तो खाने में ऐसा ही हाँ मुझे पता है कहीं कहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ लूट है बट कम लूट है, और उसको भी ठीक करो, लूट तो अभी बहुत कम है, अभी ने मोबाइल चला, मोबाइल ने चला तो पूरे लूट, अभी तो मोबाइल चला चल रहा है, ये पिक्चर भी चाहिए, पहले तो 5 रुपया एसटीडी रहते भी आदमी जुड़ाना पता है लोग बुला देती है, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो करेंगे ना लोग, करेंगे, सियाने हो गए अब सियाना सब हो गया, अब भाई उनको पता है, देख रहे हैं दुनिया, देख रही है अभी क्या रेट है, सब दुनिया देख, चलिए मेरा एंड, सब इंसान रुकिए, अब सफर निकल गया, बट एक विनती आपसे, प्लीज ऐसा ना करा करें, सबको एक जैसा, तो मतलब आप ये कह रहे हो अब नहीं करोगे, अगर हम कर दिए कि हम सही करेंगे, बाकी अगला करके जाएंगे, चलो आप भी सिखा सकते हो ना, आप सिखा सकते हो ना भाई, 15 का ही दीजिए, आप बोल सकते हो ये चले पेंट्री में मैनेजर से मिले, चले पेंट्री में मैनेजर से मिले, आपके कार्डर सही है, मैनेजर क्या सिखाता है, नहीं सिखाता मैनेजर, बोलते हैं नहीं बोलते, क्यों बेचते हैं, हम में ये आपको कह रहे हैं कि मैनेजर कभी सिखाता है किसी को, मैनेजर उधर ही जाएंगे, मैनेजर आप ही हो, गलत काम मैनेजर कभी नहीं करता है, गलत से उसको हम पूछा था भाई, कभी नहीं करता, आप फिर आप क्यों करते हो, छवि किसकी खराब हो रही है, मेन हेड की पेंट्री की, तो प्लीज समझारो, वैसे मैं बात कर लूंगा पेंट्री में आके, लेकिन थोड़ा करो ठीक है, गलत कर रहा है जो भी, हाँ आप भी 20 बोला ना, आप भी गलत कर रहे हो मेरे इसमें, सो भाई आपने अब देख ही लिया, ये रिकॉर्ड हो रहा था सब कुछ, यही चल रहा है भाई, अब बहुत सुधार रहे हैं हम यार बहुत, और ये लड़का जो कह के गया है ये सही कह के गया है, 120 में भी ठगा जाता है, 150 में भी ठगा जाता है, यहाँ भी ठगा जा रहा है, बट यहाँ 10-20 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन आप पानी का भी है, बट देखो हम वीडियो दिखा रहे हैं, हम इनको समझा रहे हैं, समझने वाले नहीं, आपने तरीका जमाया दे दिया 15 का ना, कैमरा निकाला, तो आप थोड़ा सा अपने को अवेयर रहो, जब भी ट्रैवल करो एमआरपी पे लो, रेट आपको मैंने बता दिया, चलिए सो बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई, वीडियो के माध्यम से जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, और ये बिल जरूर लें, थैंक यू। गाली नहीं निकाल भाई, गाली बोली मैंने आपको, गाली निकाली आपको, क्या है तेरा, आओ इधर आओ, गाली निकाली मैंने आपको, साइड हो जाना, फोटो किसी करूंगा, फोटो तो तेरी, फिर मैं गाली नहीं निकालता किसी चीज में, बकवास नहीं करने का फालतू, अभी चला गया आराम से चला जा, हाँ क्या क्या गाली निकाले, गाली बोले क्या क्या, आरपीएफ को बुलाऊंगा गाली दिया क्या तेरे को, बकवास कर रहे है। तो भाई पेरमपुर पहुंच के सिग्नल होने वाले, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बट ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको फिर ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, वीडियो बना लिया, अब आरपीएफ को मैं दिखाऊंगा इसे, भाई बारिश देखो भाई साहब, गलत है क्या भाई बात, गाली निकाल रहे हैं, यहाँ खड़े हैं क्या किए है? उतर ही रहे हैं ना, इन लोगों को ये आकड़ दिखाते हैं। भाई पेरमपुर पहुंचे हैं, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, मैं देखो भीग गया पूरा, और अभी आपने इंसिडेंट देखा ना, मैं इस गेट पे खड़ा था भाई, क्यों भाई गलत है कुछ,
मैं भी उतरना था, कह रहा साइड हो जा तेरी माँ की तेरी बहन की। ऐसे यार गाली निकालते हैं यार लोग यार फालतू में। मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, गेट पे खड़ा हूँ तो चला गया, भाग के आपके सामने भाग गया ना भाई। आर्मी से भैया और उनके लिए स्पेशल देखो गाया जा रहा है। सो भाई कृष्णा राज्यपुरम आया हुआ है बाहर, आधा घंटा हो गया भाई, ट्रेन निकल ही नहीं रही यहाँ से, लोग बहुत परेशान हो गए। ऑनलाइन दिखा रहे पहुँच गए, वहाँ भी अनाउंसमेंट हो गया पहुँच गए, बट निकल ही नहीं रही यहाँ से यार। बाहर भी गया था मैं, वेट करते हैं जब होगा तब वहीं पे मिलेंगे। वेलकम भाई साहब। ऑलराइट जी, फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन SMVT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। ये इंडिया का फर्स्ट फुली एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन है जी हाँ, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे। 7.5 घंटा डिले हो गया भाई ट्रेन, टोटल किलोमीटर हमने कवर करे हैं इस ट्रेन से 3560 ऑलमोस्ट किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं भाई, जो मेरी ड्रीम जर्नी की लिस्ट में से एक जर्नी कंप्लीट हुई। बट बहुत ज़बरदस्त सफ़र था, सच बता रहा हूँ। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब कहते हैं मिला जुला के ठीक ही रहा, पंचुअल तो बिल्कुल भी नहीं है। 7.5 घंटा ट्रेन डिले आई है यहाँ पर। अगर मैं पेंट्री की बात शुरू से बात करते हैं यार, 2 मिनट दे दो प्लीज़ यार, अभी इतना ब्लॉग देख लिया है, 2 मिनट दे दो। खाने की बात करें तो वेजिटेरियन भाई अपना खाना बंदोबस्त कर लें बाहर से खाने का, नॉन वेज का मुझे टेस्ट नहीं पता। और अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डे में भाई पेंट्री में थोड़ी बहुत लूट बट चालू हो गई थी, जैसे कि पानी को लेकर 5 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे थे और 10-10 रुपये खाने पर भी ज़्यादा लिए जा रहे थे, तो छोटी मोटी चीज़ें हमें वो देखनी पड़ेंगी। बाकी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल वॉशरूम की कंडीशन की, तो कंप्लेंट करने के बाद भाई इन्होंने साफ़ सफाई की है, तो वॉशरूम देखो इसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट नहीं था हमारे वाले कोचिस में, तो उसमें कोई पानी की प्रॉब्लम रहती है। बाकी ठीक है यार, अब मेरी एक और कारण है, फ़्लाइट मिस हो चुकी है, टाइम और 3:30 बज गए ऑलमोस्ट, और 4:30 की मेरी फ़्लाइट थी तो वो मैं पकड़ ही नहीं सकता। अब मैंने सुबह 11:10 की फ़्लाइट कराई है दिल्ली की, तो अब बस यहाँ पर बैठेंगे, बाहर चलते हैं एंड बाहर पर करेंगे। एक बार आपको थोड़ा सा मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखता है रेलवे स्टेशन। भाई आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड से, और अंदर से ऐसा कुछ दिखता है भाई रेलवे स्टेशन, देख लीजिए काफ़ी भाई सुंदर बनाया हुआ। एक बार रुकिए ऐसे देखिए, वाह कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है ना। चलिए बाहर चलते हैं एग्जिट से। सो ऑलरेडी जी आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, अब करते हैं व्लॉग को एंड। जर्नी थी 63 आवर्स की, 7.5 घंटा डिले हुई, 70 आवर्स जर्नी मैंने की इस ट्रेन में, बैक की बैंड बच चुकी है सच बता रहा हूँ। बाकी ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया। चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर रखते हैं भाई, अगर आपको व्लॉग पसंद आए मेक श्योर लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, ऐसी और जर्नी देखनी है ना, देखनी है तो करो सब्सक्राइब चैनल को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक धमाकेदार व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय।